शुक्र करता हूँ उस मालिक के नाम से जिसने मैं पैदा किया और इतनी नींदों से नवाजा। आज की इस छोटी सी वीडियो को करते हैं शुरू। आज मैं अपने गांव के दरबार पर आया हूँ। हमारे साथ ही ये गांव है, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, ये साथ ही हमारा गांव है, ये सारा हमारा गांव है। और मैं आज हमारे गाँव में दरबार है, एक मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, ये दरबार है और आज हम इसके अंदर इंटर होंगे। तो आए, मैंने सोचा आपको भी विज़िट करवा दिया जाए। तो चलिए फिर आते हैं। तो मैं दरबार में इंटर हो गया हूँ। ये दरबार, इसका एक एक ये दरवाज़ा है, एक वो दरवाज़ा है, और ये जो इसकी जो सायेदार साया, इसका कसम से कमाल का ठंडा। तो अभी इसके अंदर इंटर होते हैं। ये यहाँ पर नमाज पढ़ने का काम, नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पर सफ़े बिछाई जाती हैं। जो भी नमाज के वक्त इधर आया हो वो नमाज भी पढ़ सकता है। दूसरी साइड पर जो दरबार है, तो ये देख सकते हैं आप। यह कब्र मुबारक, तो अभी यहाँ पर जो है हम दुआ मांगते हैं। तो अभी हमने दुआ मांगी, तो अभी आपको इस इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको दिखाती हैं। इसकी पिछली साइड पे जो है एक प्लाट से हैं, उसमें उन्होंने फूल भी लगे हैं और दरख्त भी काफ़ी लगे हुए हैं। तो आए अब वहाँ चलते हैं। दरवाज़ा लगा दो। तो ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो छांव है ये कमाल की है, तो अभी हम इस तरफ जा रहे हैं। इधर एक छोटी सी कब्र है, तो ये जो यहाँ पर शायद पानी लगाने का कोई इन्होंने वसीला रखा हुआ है, पानी लगाया जाता है। और ये दरबार की एक साइड का मंजर है, अल्लाह हु यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये दो कब्र है, यहाँ पर शायद छोटे बच्चों की कब्रें हैं ये, और ये दरबार का जो जहाँ कब्र मुबारक, उसके कमरे का दो दरवाजे हैं दूसरा। और इस साइड पे जो व्यू है वो भी आपको दिखाते चलें। ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, यहाँ पर फूल लगे हुए हैं। ये अभी इन्होंने कुछ लगी हुई हैं कलियाँ, अभी फूल बने नहीं हैं ये। अभी ये देखें, ये भी एक वो पर लगा हुआ है, एक वहाँ पर लगा, ये कली का एक वो लगा हुआ है। तो मैंने सोचा दरबार को आपको विज़िट करवा दूं। और जो हमारे गांव में जो आते हैं सरकारी काम करने के लिए, उनके लिए जो जगह बनाई गई है, उनके रहने के लिए, उनके सोने के लिए, वो इस साइड पे जगह है। मेरा कैमरामैन दिखा सकता है इधर। ये जो दो कमरे हैं ये उनके लिए बनाए गए हुए हैं। और जब इस दरबार में मेला होता है तो इस मेले में जितने भी लोग आते हैं दूर दराज से, वो भी यहाँ रह सकते हैं। और मेले के दौरान इन कमरों को भी यूज़ किया जाता है। तो व्यू मैं पिछली साइड का आपको दरबार को दिखाता हूँ। ये देखें, ये दरबार का कोई पिछली साइड का व्यू है, और वो भी मीनार है ये, और ऊपर ये जो झंडा लगा हुआ है। तो ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ बहुत ही अच्छी छांव है। यहाँ पर कभी टाइम पास करने के लिए, और ऐसा मैं क्यों ना कहूँ, कभी टाइम पास करने के लिए, या फिर अगर आपका कहीं दिल ना लग रहा हो, घर में दोस्तों के पास कहीं भी, तो ये बहुत ही शांति वाली जगह, यहाँ पर आप आकर जो रह सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं, इस तरह से भी रास्ता है तो भी चलते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।
और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचते रहिएगा। आप कह रहे होंगे मेरा मास्क कहाँ है, शहर में जा नहीं सकता, कर्फ्यू लगा हुआ है, हमारे गांव में मास्क मिल नहीं रहे। अगर आप समझते हैं कि मास्क खुद जानबूझ के नहीं लगा रहा तो मास्क भाई नहीं मिल रहे। अगर कहते हैं तो मैं वीडियो भी बना देता हूँ, मास्क नहीं मिल रहे, गाँव से ख़त्म हो गए हैं और शहर से भी नहीं मिल रहे, तो शहर में जा नहीं सकता क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है इस वजह से। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।